नमस्कार, मैं हूं मयूर शर्मा और आप देख रहे हैं वक्त इंडिया। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए बुधवार को सुबह 4:30 बजे श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को जम्मू से रवाना कर दिया गया है। बम बम भोले जयकारे के साथ और कड़ी सुरक्षा के बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह ने यात्रियों की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अट्ठाईस जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था बुधवार तड़के जम्मू से रवाना हो गया और इन भक्तों को विदा करने से पहले बाकायदा पूजा अर्चना की गई और भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ ही इन्हें रवाना किया गया। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने जम्मू बेस शिविर से अमरनाथ यात्रा के पहले बैच को करीब सुबह 4:30 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बार श्रद्धालुओं का सफर और भी यादगार रहा, क्योंकि बाबा भोले के दर्शनों के लिए रवाना हुए यात्रियों का पहला जत्था एशिया की सबसे बड़ी चनैनी नाश्री टनल से होके गुजरा। इस 9 किलोमीटर लंबी टनल के बनने से बाबा भोलेनाथ तक पहुंचने का सफर और भी आसान हो गया। सभी भक्त बम बम भोले के जयकारे के साथ बाबा बर्फानी का दीदार करने के लिए बेहद उत्सुक दिख रहे थे। मैं 4 साल से कंटिन्यू अमरनाथ यात्रा में आ रहा हूं और अभी जो हमारी सरकार तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये टनल बनाया, इससे हमारे बहुत सारे काम आसान हो गए जम्मू कश्मीर और जम्मू को और कश्मीर से जोड़ने के लिए। और ये टनल हम कहते हैं कि हमारे देश में पूरे एशिया में पहले नंबर का टनल, और इसको ऐसा टनल हमने कभी नहीं देखा था। और अभी जो हमारी यात्रा के लिए जो गवर्नमेंट ने जो सिक्योरिटी इंतज़ाम की है, इससे मैं ये आह्वान करता हूँ सभी शिव भक्तों से कि वो जरा सा न डरें और बाबा अमरनाथ बर्फानी का आके दर्शन करें। बाबा बर्फानी की यात्रा के दौरान आतंकी हमले और प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए पुलिस, अर्धसैनिक बल और सेना ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बालटाल और पहलगाम मार्गों पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए बने शिविरों के चारों ओर कटीले तार लगाकर किलाबंदी की गई है, ताकि कोई शिविर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाए। सरकार द्वारा किए गए सुरक्षा के इंतजामों से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। और यहाँ पर जो बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और टनल की जो व्यवस्था की गई है, सरकार ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है इन्होंने। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर सिक्योरिटी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। और मैं अपने शिव भक्तों से एक अनुरोध करना चाह रहा हूँ, कोई भी न डरे और पूरा सुरक्षा पूर्वक, उनके कोई जान के कोई भय नहीं है, और अमरनाथ यात्रा पूरी सुरक्षा पूर्ण करें। और मैं सरकार को साथ साथ धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो व्यवस्था की है वो काबिले तारीफ है। वहीं दूसरी तरफ सेना को अमरनाथ यात्रा में हमले की साजिश की सुगबुगाहट हुई, जिसके बाद सेना ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए। मीडिया से बातचीत में आर्मी के 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जीएस संधू ने आतंकी साजिश की आशंका जताई और इसके लिए बाकायदा जवानों की संख्या भी बढ़ा दी गई, साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम के दावे भी किए। जीएस संधू ने बताया कि सेना के जवान किसी भी बड़ी साजिश को नाकाम कर देने में सक्षम है, इसलिए अमरनाथ यात्रा के रंग में कोई भी भंग नहीं पड़ने वाला। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ इस बार अमरनाथ की यात्रा चनैनी नाश्री टनल से होते हुए रोमांचक साबित हो सकती है। हालांकि कश्मीर में भड़की हिंसा का असर बाबा बर्फानी यात्रा पर देखने को नहीं मिली, श्रद्धालुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। हमारी सेना और पुलिस के जवान हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा की तरह मुस्तैद हैं, तो ऐसे में बाबा बर्फानी के भक्त निश्चिंत होकर अमरनाथ के दर्शन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वक्त इंडिया।